कर रहे हो? नीचे कॉलिंग। अरे चल ना यार। तू चल। बड़ी बेटे। आंटी। हाँ बोल। कहाँ हो तुम लोग? कहाँ हो क्या लगा रखा है? तेरे फोन का ही वेट कर रही थी। अरे व्हाट आर यू डूइंग आंटी? इतना इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी रायता फैला दिया। यू टर्न मार के वापस आ जाओ, वरना ये लोग यहीं पर हनीमून मनाने का प्लान बना रहे। अगर उसने मेरी बेटी को छुआ भी तो काट के रख दूंगी। काटने का तो पता नहीं आंटी, लेकिन मेरे कान के पर्दे जरूर फाड़ दिए आपने। देवी अंकल, अरे झुमकी, दुल्हन को भगा भी रहे हो और उसकी मम्मी को बता भी रहे हो। चलो डोनेशन बॉक्स में 100 रुपीस डालो। क्यों चाहिए तुम लोग 100 रुपीस? दीदी इधर, लास्ट 100 रुपए थे ब्लैकमेलर्स। जाओ 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 जाओ। जिधर बैठो ये लोग कुछ ना कुछ काटते रहते, पता नहीं अब क्या काटेंगे। पांडे जी। पांडे जी? कौन से पांडे जी? कहाँ के पांडे जी? देवीलाल, देवीलाल सिंह है हम। इल्ला इल्ला पांडा जी, पुदसा बजाओ वरना हम तुम्हें बजा देंगे। वो सब तो ठीक है बेटा, पहले मंगलसूत्र तो लेके आओ। ओह शो पन मैंगी। क्या हुआ? तुझे होल में पॉकेट। ओह, I'm sorry, लेफ्ट पॉकेट में रखा था। मुझे लगता मैं घर छोड़ा है। क्या? नहीं नहीं, गाड़ी में है। गाड़ी में है ना? गाड़ी में है। हे भगवान, थैंक यू फॉर ऑल योर। दीदी मंगलसूत्र लेके आओ। पंडित जी आप कंटिन्यू रखो। एक्सक्यूज मी। क्या आंटी, इस उम्र में डांस देखने का क्या शौक पैदा हो गया? ये शादी हरगिज रोकनी है हमें। शादी रोकनी है, चल रखो। मंगल सूत्र यहाँ पर है। तू ही हमें यहाँ तक लेकर आया और शादी भी तू नहीं करवाई। यस। हाँ क्या? हे बापू, हाँ तूने सबको यहाँ बुलाया तो पच्ची पर क्यों? तेरी नती खबर? केक है? एक सुन, जब तू अपने बच्चों को अपनी शादी की कहानी सुनाएगा, अबे शुरुआत ही ये होगी कि बहुत लंबी कहानी है बेटू लोग। इसमें ड्रामा था, टेंशन था, एक्शन था। अरे मुझे कट गई। और जब जब तू अपने बच्चों को ये कहानी सुनाएगा, तेरी लाइफ में रोमांस जाग उठेगा। रोमांस? Are you mad?
No. तुम्हें कोई मेंटल प्रॉब्लम है क्या? No. अपनी किक के लिए तुम किसी भी जान खतरे में डाल सकते हो। ओ डॉक्टर साइको, चिल्लाती काय को? ये जीना भी कोई जीना है जिसपे किक ना हो पगली। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने ये सब क्यों किया, मैं बस इतना जानती हूँ कि तुमने मेरी सारी विशेष पूरी कर दी। लेसन, जिससे शादी करना चाहती थी उससे करवा दी। yeah. और सबसे इम्पोर्टेंट, मम्मी के बिना शादी करना गलत लग रहा था, पर तुम उन्हें भी यहाँ लेकर आ गए। थैंक यू सो मच। और इस सबसे मुझे भी किक लगी, सुपर किक। ये हुई ना बात। अब पहले एनिवर्सरी से पहले 3-4 किक वाले बच्चे पैदा कर लो। ओके, तूने एक एमएलए को गलियों में सड़कों पर कुत्ते की तरह भगाया है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तुझे मेरे पैरों पर गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी। आज से तेरी मेरी दुश्मनी जाओ। मुझसे जो दुश्मनी मोल लेता है उसमें ऊपर वाला रहम तो कर देता है, मगर मैं नहीं। आज के बाद अगर तूने मेरी दोस्त की तरफ आग भी उठाकर देखा तो यमुना में पानी नहीं, तेरा खून बहेगा। इसी प्रकार के डायलॉग का आपको इंतजार था ना एमिली जी? सॉरी, आई एम नॉट केपेबल ऑफ इट। अरे जा कह रहा हीरो, तेरी हालत तो हम पतली कर देंगे। अरे तू एक है और हम इतने। अब क्या करेगा? ये मारता सिर्फ एक को है, बाकी अपने आप भाग जाते हैं। कहाँ गए? इतने बड़े हो गए हो, इतनी लंबी दाढ़ी निकल आई है, फिर भी मंदिर में प्रवेश करते हो जूतों के साथ, शर्म आनी चाहिए। ये कैसा ह्यूमन बीइंग है? ये साला एकदम उल्टा है। ये बीइंग ह्यूमन है, जो काम अस्थमा पेशेंट के लिए वो पंप करता है ना, वो इसके लिए किक करती है। एक्साइटमेंट, मस्ती, ये थ्रिल हमेशा चाहिए इसको। कहते हैं ना, भूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, इसके तो माँ के पेट में ही दिख गए। हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी हुई, इसका मतलब ये तो पक्का था कि अबनॉर्मल ऊपर से नहीं टपका था। सुना था रोते हुए आते हैं सब, पर ये हंसा हुआ डॉक्टर को आंख मार रहा था। जब बच्चों के मुंह में दूध की बोतल होती है, इसकी टांगों के बीच टॉवेल था। मुझे 2 फीट से कूदने में डर लगता था और ये घोड़े की तरह फुर्ती से डाइविंग बोर्ड पे चढ़ के 12 फीट से कूद जाता था। जिस ऊंचाई पर सीधे खड़े रहने में लोगों को चक्कर आते हैं, वहाँ ये उल्टी साइकिल चलाता था। नेचर्स कॉल को भी ऐसे अननेचुरल तरीके से आंसर करता था। अंकल लाल को यकीन हो गया था कि उनके घर पे बेटा नहीं बाप पैदा हुआ है। दिमाग इतना तेज है कि दोनों हाथों को एक साथ इस्तेमाल कर लेता था। डबल हैंडेडली हम दोनों को हरा देता था, सिंगल मिड डबल किक। बद्दा नहीं लेवा पछी, टेक्नोलॉजी नहीं पाछड़ पड़ी गया। लैपटॉप को उल्टा करके भी हर चीज सीधी टाइप करता था। रिस्ट वॉच को पहनने का भी एक नया एंकल ढूंढ लिया था, इसकी जैसा कोई नहीं। खिड़की होती है हवा अंदर आने के लिए, इसने उसी दरवाजा बना लिया था बाहर जाने के लिए। यही है देवी, इसकी जिंदगी सिर्फ एक चीज पर दौड़ती है, किक। What a crazy guy, man. What a character. No, total torture. भाई, स्कूटर और बाइक की देखिए, पेले और बेकम की भी देखिए, पर ये कौन सी किक है? It's like an adrenaline rush. Very interesting. फिर next meeting कैसे हुई? He was a headache. And as you know, headache आसानी से नहीं जाता।
झुमकी तू यहाँ क्या कर रही है? टूहंड में से आखिरी 100 रुपए थे, ये ले झुमकी। यो उठा लो, इनकमिंग फ्री है। तुमने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया है। डोंट टेल मी, जो दिमाग ठीक करती हैं उनका दिमाग खराब हो गया और जिसका दिमाग खराब है उसका ठीक। हाउ कूल इज दैट। देखो देवी, तुम्हारे लिए ये एक नई किक होगी लेकिन मेरे लिए नहीं, सो जस्ट लेट इट गो। डोंट टेल मी तुम्हें भी किक मिली होगी थोड़ी थोड़ी। इन योर ड्रीम्स। अरे हर लव स्टोरी ड्रीम से ही तो शुरू होती है। एक्सक्यूज तो तुमने दिया है हमें। छोड़ना यार इतना। छोड़ना यार। अरे हाँ तू क्या बोल रहा है? डॉक्टर साइको, एक रियलाइजेशन अभी अभी ऊपर उभर के आया है कि प्यार करने से ज्यादा प्यार को मनाने में फन है। प्यार और तुमसे जब होगा ना तो ये सब होगा लेकिन कुछ दिखाई नहीं देगा। सुबह शाम सिर्फ मेरी बातें, मेरी यादें, that's it. You are such a headache. ये headache नहीं है, ये मेरे प्यार का हैंगओवर है जिसे तुम खुद भी उतारना नहीं चाहोगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। Go and find your kick somewhere else. ठीक है चलो कि कहीं अंदर ही ढूंढ लेते हैं। अरे ये कमीने लड़कियों को छेड़ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं कि टिकट विकेट बटे क्या? बदतमीजी है। टेबल पे सो रहे थे ना, सोचा कि जगा दूं। क्यों? अरे वाह यार क्रिकेटर्स, कभी चौका तो कभी छक्का। वाह यार कितना एग्रेशन दिखाते हो फील्ड पर, इतना सारा जुनून बाहर क्या हो जाता तुमको हैं? ओ हो माशाल्लाह, 17.5 के तो होंगे ना? पेक्टोरियल मसल्स, विंग्स, सिक्स पैक एब्स। जिम में जाके बॉडी में सिर्फ हवाई भरना, निकल आई All show no go. अबे कौन है बे तू? जानता है मैं कौन हूँ? जानता हूँ ना, आप कमीने हो और अब अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो। आई वॉज जस्ट सेइंग कि मुझे प्रॉब्लम है अच्छे लोगों के साथ क्योंकि ये अच्छा ही नहीं कर रहे। जब तक आप जैसे कमीने लोग इनकी माँ बहनों के साथ ऐसी गंदी हरकतें नहीं करेंगे ना तब तक इनकी जलेगी नहीं। लगता है तुझे बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई है, उतार देंगे। आपने बिल दे दिया? नहीं दिया, बाद में दे देंगे। बट यू माई बॉय डोंट चेंज द टॉपिक। नहीं मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि बाद में आप बिल नहीं दे पाओगे। तुम लोग इनसे डर रहे थे? अभी उठना। ओहो, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। सी अभी उठ। अब बॉस अपने एक धुर को भेजेगा शहीद होने के लिए। ये आया ये गया। अब दो बॉस को इंप्रेस करने के चक्कर में पीछे से आएंगे। ये लो अब बॉस खुद आएगा और पीछे से पकड़ेगा। ये लो। और बच्चा बच्चा जानता है कि बॉस का क्या हाल होगा। इस ग्रुप का एक बहादुर लॉयल सिपाही क्राउड में छुपकर ये सब देख रहा होगा और उस
का पिटना जरूरी है, पहले क्योंकि इसने ये माइक्रो टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन क्यों किया, फिर जब ज्वाइन किया तो छोड़ा क्यों? ये सुनो, वैसे तो कभी टाइम पर आएगी नहीं पुलिस, और अगर आज आ गई तो गलत आदमी को पकड़ के लेके जाएगी। ओ हाउ क्यूट, आज मेरे बचपन की जेल जाने की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। लेकिन हथकड़ी पहना के लेके चलना, इसमें किक है। मैं बोलू इसके लक्षण ठीक नहीं लगे मने, सोच लो। रे अंदर से SMS आ रही है भाई, क्या आज दिन अच्छा ही जाएगा, है ना? ट्राई कर लो। चलो फिर, बड़ा इंटरेस्टिंग लौंडा भाई। आओ आओ। ओ गॉड बबल्स, हमेशा नेट पे बिजी रहती हो। ओ गॉड दी, यू वांट टू मस्ट सी दिस वीडियो, इट्स ट्रेंडिंग। प्लीज उसे बंद करो और मुझे मेरी। अबे कौन है तू, जानता है मैं कौन हूँ? जानता हूँ ना, आप कमीने हो और आप अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे हो। आई वाज जस्ट सेइंग कि मुझे प्रॉब्लम है अच्छे लोगों के साथ, क्योंकि ये अच्छा ही नहीं कर रहे। जब तक आप जैसे कमीने लोग इनकी माँ बहनों के साथ ऐसी गंदी हरकतें नहीं करेंगे ना, तब तक इनकी चलेगी नहीं। According to the law, कैदियों के भी कुछ राइट्स होते हैं सर। सर, where is my FIR, सर? अरे कोई मेरे लॉयर को बुलाओ। कोई मेरा जुर्म बताओ। उल्टी जैसी आ रही है। Violation of section 54 in 1991. दिख कानून से भी ज्यादा धाराएं जानता है ये। नहीं ना, जन गया टॉयलेट के लल। आर्दन करंटी, अस्तवरिक चार्निक इंस्पेक्टर जाबो। ऊ बेटा, आप तेलुगु में बोलने लग गया, ये ऑल इंडिया रेडियो सुन रहे हो सब लोग? सुबह से 9 भाषा चेंज कर चुका है साहब जी। ये? हाँ जी, बार बार बोलता है। हिंदी बोलने से मेरे को किक नहीं लगती, किक नहीं लगती। क्या नहीं लगती? किक है? अरे किक होती होगी कोई चीज भाई, किक। भाई गुरगुर सिंह, प्लीज इसकी माता श्री से मुझे मिलवा दे भाई। मैं मतलब आंटी जी से एक ही बात पूछना चाहता हूँ। आंटी जी, क्या खा के आपने इसको पैदा किया? टेल मी द डाइट, प्लीज प्लीज। मेरे को लगता है माता जी ने उपवास रख के इसको पैदा किया है। ओ साहब जी, एक अंग्रेजी मैडम आई है, इनकी जमानत कराने। ओए सुन सिंह, तू सपना तो नहीं दिख रहा? ओ वाई गुरु जी, सो साहब जी। वाह, तुम्हारी भाभी आ गई बेल देने के लिए। जी कितने हैं? दो। ओ बहन जी, तो बिल्कुल नॉर्मल है। कहाँ से लिया ये ट्रांजिस्टर? कैसे झेलते हो आप? बाय बाय, बाय बाय, बाय, लव यू। नाना करते प्यार हम इसे कर बैठे। अब देखो मोहम्मद अरफी बन गया ये। टीवी, व्हाई बिहेविंग लाइक दिस? काम इतने अच्छे करते हो। काम तो अच्छे ही करते हैं डॉक्टर साइको, लेकिन साला दुनिया में कोई समझता ही नहीं है। ये सब ना करो, जलन होता है यहाँ। ससुराल के ना फूल हो जाएगा। यहाँ से चले जाने तो ये किक मारूंगा, बता रहा हूँ। किक ही तो चाहिए। देखो सुबह से ऐसी बातें कर रही है। ठीक है इंस्पेक्टर, प्लीज। क्या करूँ? लिखो ना। अरे हाँ, रिपोर्ट भी तो लिखना है। आप बैठे, आप बैठो। चल बेटा, नाम बता। देवी। इनका नहीं, तेरा। मेरा ही है, देवी लाल सिंह। अच्छा, उम्र क्या लिखता बेटा? 10 साल लिखता हूँ। क्या? 29 फरवरी को पैदा हुआ था। 4 साल में एक बार आता है, हुआ ना 10 साल का। तभी ये हाल है। मम्मी पापा कैसे झेलते होंगे? बाबूजी कहाँ बेटा? पापा? हाँ डैड। बाबूजी के बारे में क्यों पूछ रहे हो? अरे नहीं, मतलब बुलाना पड़ेगा ना। अरे बाबूजी मेरे बाप है। हाँ, तभी तो उनको बुलाना पड़ेगा। अरे बाबूजी मेरे भी बाप है। देखो कैसे लीफ की तरह कांप रहा है, क्या हुआ? अरे बाबूजी मत बुलाओ यार, मुझे फिजिकल होने लग गया अब। ये फिजिकल नहीं, ये मेरे डैड से बहुत करता है। अरे ये बाप है। कहाँ है वो खोतिया? खोतिया? उसे मार दिया कि नहीं? ओ जी, मारने की क्या जरूरत है, स्लाइड सा केस बनता है। कहो तो वापस। स्लाइड सा केस? तुमको इंस्पेक्टर किसने बनाया? यही बात तो मैं सोच रहा हूँ आज की डेट में। अरे जितने केस है सब डालो। रेप, मर्डर, किडनैप, फिरौती, 10 साल के लिए डाल दो, मुझे भी छुटकारा मिल जाएगा। 10 साल? क्यों, कम लगता है? तो ऐसा करो, एनकाउंटर में ठोक दो। एनकाउंटर?
अरे क्या जो आप गुस्सा थूको सर जी और बेल करा के लौंडे को ले जाओ। बेल तो बाद में, अभी तो मैं उसको पहलूंगा, उसके पुट्ठी को मार मार के मैं गुम्मत बना दूंगा। कैसा बात है ये? अरे किधर है? अच्छा, अरे वो नहीं है। गॉड बेटा तो अद्धा था, बाप तो फुल खम्बा है। क्या है बाबूजी? ओ बेटा जी, ओ बेटा जी, ओ बाबूजी रुक जा, रुक को क्या करे बाबूजी? ओ बेटा जी, ओ बाबूजी, अरे रुक जाओ बाबूजी, ओ बेटा जी, अरे पैर पैर मुझे आज ये बाप ये पाप मिटा कर रहेगा। गुड गुड, इस स्लाइड से सदमे के बाद मैं क्या करूं? पहले तो पैंट ऊपर कर लो। अगर हम बाप बेटे पीकर टून हो जाएं, तो हमें नीचे लिखे हुए पते पर प्लीज पहुंचा देना। What a father, what a son. एक ही घर में दो दो मास्टरपीस। वाह। ये दोनों तो सर्किट है, मदरबोर्ड तो अभी बाकी है। कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी ज्यादा पीली है। तुन है, ये इन्हीं का घर है ना? ओ ना, ये घर मेरे नाम पे है, पर एक मेरी मांग का सिंदूर है, तो दूजा मेरी अखा का नूर है। कुड़िया इधर आ, आजा आजा, हाय पुत्र की हो गया, मर जावा मैं। तो कुड़िया तू कौन है? पहले तो कदी नहीं देखे मैं तेनू। मैं शाइना आंटी। शाइना आंटी? हाय पुत्र, इस उम्र में अपने आप नो शाइना। ओ तुम, ओ मैनू आंटी, मैं सोचा तू शाइना आंटी। जी जी, मैं डॉक्टर हूँ, साइकाइट्रिस्ट। हायो सप्पा साइकी, यू मीन माय पुत्र पागल? गॉड स्वेयर पुत्र, मैं ना तो बचपन में चेकअप कराया से फुल। माय लाल, बोल मेरे लाल। की कह रहे ने? इतना दारा है अंदर तो दारा तो बनता ही है ना। फिकर ना कर पुत्र, मम्मा ले आएगी। हाँ, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। हेलो जी। माय गॉड, यहाँ तो पूरी फैमिली पियकड़ है। आज किक्कबुतर, आजा आजा आजा। ओ मेरा पुत्र, आमु कोल मु कोल मु कोल, दिख लगला ओ मम्मा को, वेरी गुड पुत्र, हैप्पी मम्मा, पाँच बेबी हो गया, गुड हेल्दी बॉय। दूध भी पैग बना के पिलाना पैंदा इनू, मेरे हबजन नु भी खराब करके रख देता है। वैसे इतना बुरा भी नहीं मेरा पुत्र। हाँ, स्कूल कॉलेज इंजीनियरिंग सब में फर्स्ट। एक दिन मेरे को आके कहता है, मम्मा मेनू जॉब लग गई है। मैं क्या, हाय किन्ने दे? कहता है पंजाब।